नीचे करना है, क्या कर रहे हो आगे भी और गन्ना का दर निर्धारित करो, बिहार के मेधावी छात्रों को कुचलना बंद करो, 2-2 लाख लेकर सेंटर मैनेज करना बंद करो, क्योंकि पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, उस पर सवाल उठाया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, बंद करो। राज्य में ऑनलाइन परीक्षा जो हो रहा है उसके केंद्र के निर्धारण में 2-2 लाख रुपया लेने का खुलासा हुआ है, समाचार पत्रों में ये बात है। ये काफ़ी प्रतिभावान जो छात्र हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, काफ़ी गंभीर विषय है। इस पर हम लोग सरकार को घेरने का सदन में काम करेंगे, आवाज़ को उठाएंगे। बिजली दर वृद्धि के लिए अब लोग सड़क पर उतर गए हैं, हम विधायक हैं, हम भाजपा के लोग हैं, हम लोग तो जनहित की बात उठाते ही रहते हैं। इस मामले पर शिक्षा मंत्री से क्या बात करेंगे आप लोग? बात क्या करेंगे, जब भगवान हमको बोलने का मौका दिया है, जनता ने अधिकार दिया है, तो बात करने का क्या सवाल है? सदन जब चल ही रहा है तो सदन में रखेंगे, और जब सदन नहीं चलेगा तब ना मंत्री से मिल के अपनी बात को हम लोग रखेंगे। वो विषयों से ज़्यादा रामचरितमानस ये सब की बात, हम लोग तो खुश होते हैं कि अगर रामचरितमानस की बात करते हैं अपने, उनके जीवन पर रामचरितमानस अगर आता है तो ये हम लोग के लिए खुशी का विषय है। ये तो मंत्री जी को धन्यवाद फिर से हम दे रहे हैं कि रामचरितमानस लेके बिहार सरकार के कोई मंत्री कम से कम विधानसभा में तो आए। तो आप लोगों को नहीं लगता कि उनको शिक्षा पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए? ये बात मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा, ये बात महागठबंधन की सरकार को देखना पड़ेगा कि शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा देखना है कि रामचरितमानस देखना है।